बिरसा मुंडा के विशिष्ट योगदान को किया याद। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सेल रांची का किया भ्रमण, आधुनिक तकनीक के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। मुख्यमंत्री से कई केंद्रीय मंत्रियों ने की मुलाकात। रांची में भाजपा एसटी मोर्चा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जारी, विभिन्न सत्रों में अनेक विषयों पर चर्चा, बैठक का समापन आज। और T20 क्रिकेट विश्व कप में 5 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला आज, खेल प्रेमियों को मैच का बेसब्री से इंतजार। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में 100 करोड़ टीके लगाए जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है और सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। उनके बारे में अनगिनत उदाहरण है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 82वीं कड़ी में आजादी की लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा के विशिष्ट योगदान को याद किया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान से रांची से सटे सफारोम नया सराय में आए बदलाव का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने अनेक विषयों पर अपने विचार साझा किए। अगले महीने 15 नवंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष, वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती आने वाली है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें
अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने विदेशी शासन के हर उस नीति का पुरजोर विरोध किया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली थी। गरीब और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद करने में भगवान बिरसा मुंडा हमेशा आगे रहे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया। उल गुलान आंदोलन में उनके नेतृत्व को भला कौन भूल सकता है। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला। उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि 25 साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए। वो हमें छोड़कर गए लेकिन केवल शरीर से। जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे बसे हुए हैं। लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा शक्ति बना हुआ है। आज भी उनके साहस और वीरता से भरे लोकगीत और कहानियां भारत के मध्य इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूं और युवाओं से आग्रह करता हूं कि उनके बारे में और पढ़ें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे आदिवासी समूह के विशिष्ट योगदान के बारे में आप जितना जानेंगे उतनी ही गौरव की अनुभूति होगी। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा के उल गुलान आंदोलन का जिक्र किया है। आइए आजादी के इस महानायक को और करीब से जानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा जनजाति के एक गरीब परिवार में 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपने सहयोगियों को साथ लेकर संघर्ष किया और उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी तथा इलाके के लोग उन्हें धरती आबा के नाम से पुकारने लगे। भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजों ने विरोध को कुचलने के लिए हर तरीका अपनाया, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा नहीं झुके। बाद में वे गिरफ्तार कर लिए गए और 9 जून 1900 को शहादत पाई। भगवान बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास आज भी स्थित है और रांची में उनका स्टेचू भी लगा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के फलस्वरूप आखिर अंग्रेजों ने उनके मरणोपरांत भूमि कानून में बदलाव किया जो उनकी जीत का परिचायक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रांची से सटे सपारोम नया सराय में स्वच्छता के क्षेत्र में आए बदलाव का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने अनेक विषयों पर अपने विचार साझा किए। सपारोम नया सराय, वहां के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। इस गांव में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए। फिर क्या था, सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया। आज वो जगह लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई है। इससे पूरे गांव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। गांव के जलसहिया सरोज खल को, जिन्होंने सपारोम गांव में अपनी देखरेख में 536 शौचालयों का निर्माण कराकर पूरे गांव को खुले में शौच से मुक्त गांव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मन की बात कार्यक्रम में सपारोम गांव के सफाई कार्यों का जिक्र किए जाने से वहां के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी हमारे गाँव की साफ सफाई के विषय में चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये तो मैंने सपना में भी नहीं सोची थी कि छोटे से काम के चलते इतनी बड़ी प्रशंसा हमारी हो रही है। ये प्रधानमंत्री की सराहनीय है, इसके लिए पूरे गांव की तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जो
आज हमारे सपारों गांव के बड़ा तालाब के प्रति अपने मन की बात में जो लाए हैं, ये हम तमाम पंचायत वासियों के लिए काफ़ी गौरवान्वित है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो आज प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए योजनाओं द्वारा हर पंचायत हर गांव को इतना साफ सफाई की सुविधा मिल रही है, ये हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ही बड़ा मतलब कदम है जो कि पूरे देश के अंदर में, पूरे राज्य के अंदर में, पूरे पंचायत के अंदर में काफ़ी साफ सफाई नज़र आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मन की बात योजना में एक एक छोटा सा गांव सपारों में जी उन्होंने हमारे तालाब के बारे में बहुत सारे जिक्र की, यह सुनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और हम लोग वहां पे सुबह में उठकर गांव के लोग यहां पे लड़का लड़कियां बहुत सारे वहां पे व्यायाम या कसरत और यहां पे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग सभी लोग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे गांव के बारे में मन की बात में चर्चा की है और ये छोटा सा हम लोग गांव में एक तालाब है जिसके किनारे हम लोग दौड़ने जाते हैं, हम लोग छोटे बच्चे और युवा लोग, तो वहां पे एक छोटा सा ट्रैक बना दिया जाता तो बहुत अच्छा होता था। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सभी से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,02,10,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक कोविड टीकों की 102,10,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण अभियान के 281वें दिन 77,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 15,906 नए मरीजों की पहचान की गई है जबकि इस दौरान 16,479 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देशभर में पिछले 24 घंटों में 15,906 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,479 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.17% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,72,594 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.23% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.19% हो गया है। इधर झारखंड में कोविड के मरीजों की संख्या में पिछले 3 दिनों से इजाफा हो रहा है। रांची और हटिया स्टेशन पर कोविड जांच में 65 लोग संक्रमित पाए गए जबकि 3 संक्रमितों के सैंपल मोबाइल टेस्टिंग वैन से लिए गए थे। ये सभी यात्री ओडिशा से आने वाले तपस्विनी एक्सप्रेस और राउरकेला पैसेंजर से आए थे। रांची में कल मिले संक्रमितों में 27 रांची और 41 दूसरे जिले के लोग हैं।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न आने दें। त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाले त्योहार के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि कोविड मामलों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर काबू के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए, साथ ही आगामी त्योहार अत्यधिक सावधानियों के साथ सुरक्षित तरीके से मनाए जाएं। केंद्र ने कहा कंटेनमेंट जोन के रूप में पहचाने जाने वाले इलाके और 5% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में किसी भी सामूहिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। राज्य में अनेक शीर्ष नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में भाजपा एसटी मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक विभिन्न सत्रों में चल रही है। कार्यसमिति की बैठक का आज समापन होगा। तो देश के तमाम आदिवासी और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सांसदों के माध्यम से यह संदेश देने का काम किया कि जंगलों में, कस्बों में, पहाड़ों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश से लेकर अंडमान निकोबार तक राज्यों के लिए कई प्रकार की योजना बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन बीच के कालखंड में जनजातियों के विकास के योजनाओं को चलाने के लिए जो योजना बनी थी उसको कांग्रेस जैसे लोग तो सत्ता में आए और उसको जो है ठंडे बस्ते में रख दिया। देशभर के भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने आए नेताओं और कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री सह मोर्चा प्रभारी दिलीप सैंकिया और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष के कारण ही आज हमें अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से भगवान बिरसा मुंडा जी के पावन पवित्र धरती रांची में प्रारंभ हुआ है और देश भर से हमारे आदिवासी नेता यहां पर इस बैठक में पहुंचे हैं। सबों की योजना के अनुसार जहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी का समाधि स्थल है वहाँ जा करके हम नमन करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, श्रद्धांजलि करेंगे। इस योजना के साथ हम सब लोग यहाँ पर पहुंचे, हमारे मन से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और हम देश के सभी ऐसे जो हमारे जनजाति महापुरुष है, वीर वीरांगनाएं हैं, उनको हमेशा हम लोग याद करते हैं क्योंकि उनका सेक्रीफाइस के कारण आज हमको ये अच्छे दिन को हमको देखने को मिल रहा है। तो ब्रिटिश की हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई हुई। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इस विराम के बाद। राम टहल। राम राम मास्टर साहब। राम राम भाई, बहू को अस्पताल कब ले जाना है? क्या मास्टर साहब आप भी, हम लोग मेहनत मजूरी करने वाले लोग का तो बाल बच्चा ऐसे हो जाता है चलते फिरते। नहीं नहीं राम टहल, यह गलती कभी मत करना। अरे बच्चे का जन्म कोई मामूली बात नहीं है, हजारों तरह के खतरे हो सकते हैं, इसलिए बहू को सरकारी अस्पताल या संस्था में ही ले जाना। संस्थागत प्रसव, सुरक्षित प्रसव। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है, ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या?
अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, MTC का काम है अच्छा। समाचारों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री फक्कन सिंह कुलस्ते ने रांची दौरे के क्रम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील सेल रांची का भ्रमण किया और अधिकारियों से आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने इस संबंध में कुछ फोटो भी साझा किए हैं। रांची प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री फक्कन सिंह कुलस्ते, विशेश्वर टुडू, जॉन बारला और रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। राज्य के वित्त मंत्री सह लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव कुड़ू प्रखंड के कई गांवों की समस्याओं से अवगत हुए और उनके समाधान को लेकर अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जनता के हित के बात करूंगा मैं, अपने पास की बात नहीं। एक हॉस्पिटल है जिसमें की कल्याण मंत्री मेरा था चंपई सुरेन, उस समय वो हमारा बगल फिर होने के नाते बोला कि आप बगल में है का केंद्रीय अर्धसैनिक बल इंडो तिब्बत सीमा पुलिस का आज 60वां स्थापना दिवस है। वर्ष 1962 में ITBP का गठन भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ITBP के 60वें स्थापना दिवस पर आयोजित परेड की सलामी ली। लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, वर्तमान में आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सेवा परिस्थितियों आदि के विषय में स्वयं ही वस्तु स्थितियों को समझने के लिए उनके तैनाती स्थलों पर जाकर जवानों से मिलते रहते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, संभरण, प्रशिक्षण व उनके विकास के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। अगस्त 2021 में आप लद्दाख में ITBP की अग्रिम चौकियों पर गए और हिमवीरों से मुलाकात करके उनका मनोबल बढ़ाया। T20 क्रिकेट विश्व कप में 5 साल बाद आज शाम भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा, जिसका खेल प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण एक साल की देरी से शुरू हो रहे ICC T20 विश्व कप का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 12 देशों के बीच T20 की बादशाहत की जंग UAE में जारी है। 2007 की विश्व विजेता भारतीय टीम अपने सफर का आगाज रविवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर करेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीम के आंकड़ों की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। T20 विश्व कप में पाकिस्तान कभी भी भारत को हरा नहीं पाया है। T20 विश्व कप में अब तक 5 बार ये दोनों टीमें आपस में टकरा चुकी हैं। हर बार पाकिस्तान को हार का स्वाद चखना पड़ा है। जबकि बात अगर ओवरऑल मैच की करे तो यहाँ भी भारत पड़ोसी मुल्क से आगे है। खेले गए कुल मैच में पाकिस्तान ने मात्र 1 मैच में जीत हासिल करी है, जबकि 7 बार भारत ने फतेह हासिल की है। वहीं बतौर कप्तान अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे कोहली के लिए ना केवल ये मैच बल्कि पूरा विश्व कप काफी अहम है। उनकी कोशिश भारत को वर्ल्ड कप दिलाने की होगी। मैच से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए विराट ने कहा कि हार्दिक पांड्या फिट है और वो 1 या 2 ओवर गेंदबाजी भी करेंगे। हार्दिक प्रेजेंटली विद हिज फिजिकल कंडीशन इज गेटिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ
being prepared to bowl at least 2 overs for us. That is way more valuable than forcing him to do something that he's not ready for at the moment. But he's motivated and he's very keen to start giving us a couple of overs. And when that happens, obviously the balance becomes even better. But we are pretty confident how we are heading into the start of this tournament. दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। सिमडेगा में आयोजित नेशनल जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के पांचवें दिन आज झारखंड की महिला हॉकी टीम ने केरल को 0 के मुकाबले 10 गोल से पराजित किया। वहीं दूसरे मैच में हरियाणा ने असम को 0 के मुकाबले 23 गोल से हरा दिया। गोड्डा में 22 वर्षों के बाद गोड्डा जिला फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। विधायक प्रदीप यादव और उप विकास आयुक्त चंदन कुमार ने गुड्डा कॉलेज मैदान में जिला फुटबॉल लीग टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया। और ये जो बात आप चंदन जी ने डीडीसी साहब ने कही कि भाई दुनिया लोग अनुशासन सिखाता है छड़ी से, कलम से, किताबों से, लेकिन यह जो खेल का मैदान है ये अनुशासन स्वयं सिखाता है। या किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती। एक रेफरी का हुसील अदना से व्यक्ति प्रदीप यादव भी उस हुसील से कांपेगा कि उसकी हुसील बजी तो मेरे पैर भी रुकेंगे, मेरे हाथ भी रुकेंगे, मुझे भी खड़ा होना होगा। सही बात तो यह है कि अनुशासन जितना खेल के मैदान में सीखने को मिलता है उतना शायद प्रबंधन के। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से खेलेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मौके पर मौजूद राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनालिसा और सिलेक्टर नरेंद्र ने कहा कि लीग के आयोजन से गोड्डा में फुटबॉल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी और खिलाड़ियों को मंच मिलेगा। मतलब रजिस्टर्ड क्लब है, वही क्लब यहाँ पे पार्टिसिपेट लिए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर हम लोग इससे भी बड़ा प्रयास करेंगे और इस टूर्नामेंट में जो सिलेक्टेड प्लेयर होंगे वो प्रमंडल प्रतियोगिता आयोजित होगा, वहाँ पे जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे और अगर वहाँ वो जीत जाते हैं तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाके वो जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्टेट अलग होने के बाद आज से जो फुटबॉल लीग मैच आज से बंद पड़ा हुआ था वो आज हमारे सरकार की पहल पर ये लीग मैच का प्रारंभ किया गया है, जो आज से शुरुआत हुआ है, जो ये सभी जिला में चल रही है और ये लीग मैच जो चयन होंगे वो प्रमंडल स्तर पर खेलेंगे, फिर स्टेट लेवल पर वो सभी खिलाड़ी भाग लेंगे। गोड्डा में 22 वर्षों बाद गोड्डा जिला फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की शुरुआत होना निश्चित रूप से सराहनीय पहल है जो खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम पल के समान है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। गोड्डा से रंजन की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात में स्वच्छ भारत अभियान से रांची से सटे सफारोम नया सराय में आए बदलाव का किया जिक्र। आजादी की लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा के विशिष्ट योगदान को किया याद। केंद्रीय राज्य मंत्री फक्कन से कुलस्ते ने सेल रांची का किया भ्रमण। आधुनिक तकनीक के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। मुख्यमंत्री से कई केंद्रीय मंत्रियों ने की मुलाकात। रांची में भाजपा एसपी मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जारी। विभिन्न सत्रों में अनेक विषयों पर चर्चा। बैठक का समापन आज। और T20 विश्व कप में 5 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला आज। खेल प्रेमियों को मैच का बेसब्री से इंतजार।